कैंप डेविड में वीकेंड मनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी व्हाइट हाउस लौट आए हैं। नौसेना द्वारा संचालित कैंप डेविड अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रहा है बेहद खास। जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी कैंप डेविड का दौरा करते रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की बरसी पर अमेरिका के मिनियोपोलिस में निकली रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वन ईयर व्हाट हैज चेंज्ड नाम से रैली का किया गया था आयोजन। पिछले साल 25 मई को अमेरिकी पुलिस की हिरासत में ज्यादती के चलते अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। तभी से अमेरिका में चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर का अभियान। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश सामोआ में गहराया राजनीतिक संकट। विपक्षी पार्टी के नेता फियामे नाओमी माताफा ने पेश की सरकार बनाने की दावेदारी। बंद संसद के बाहर समारोह में प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। मौजूदा प्रधानमंत्री तुइलेपा सैलेले ने खारिज की उनकी दावेदारी। अप्रैल में हुए चुनाव के बाद से ही सामोआ में गहराया है सियासी संकट। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका को दी धमकी। ताइवान में दखल न देने की अमेरिका और साउथ कोरिया को दी चेतावनी। पिछले हफ्ते ही अमेरिका और साउथ कोरिया ने जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जताई थी सहमति। स्पेनिश तट रक्षकों ने अटलांटिक महासागर में फंसे 26 प्रवासियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से करना पड़ा रेस्क्यू। बचाव अभियान के दौरान एक प्रवासी पानी में गिरा। स्पेनिश तट पर जारी है अवैध प्रवासियों की घुसपैठ।